ईंधन। ईंधन फ्यूल वो पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक, वो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दो, उसका ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू उच्च होना चाहिए। तीन, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। चार, जलने के दौरान के बाद उससे अधिक मात्रा में कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। पांच, उसका जवाब परिवहन आसान होना चाहिए। छह, उसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। सात, उसका प्रज्वलन ताप इग्निशन टेम्परेचर निम्न होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीयमान कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। किसी ईंधन का ऊष्मीयमान ऊष्मा की वो मात्रा है जो उस ईंधन के एक ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब स्फोटन, नॉकिंग व ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण के इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। प्रश्न 347। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड TEL है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वो उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन को निम्न प्रकार में बांटा गया है। ईंधन, एक ठोस ईंधन लकड़ी कोयला चारकोल कोक आदि। द्रव ईंधन पेट्रोल स्प्रिट डीजल ईथर किरासिन अल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन प्राकृतिक गैस कोल गैस प्रोड्यूसर गैस गोबर गैस आदि। कोयला, कोल। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला चार प्रकार के होते हैं। एक, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दो, लिग्नाइट कोयला। कोयला इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। तीन, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। चार, एंथ्रासाइट कोयला। ये कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव ईंधन लिक्विड फ्यूल पेट्रोल डीजल किरासन तेल अल्कोहल स्पिरिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण हैं। गैसीय ईंधन गैसियोस फ्यूल प्राकृतिक गैस। ये पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को LPG कहते हैं। ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। LPG अत्यधिक ज्वलनशील होती है, अतः इससे होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन को मिला देते हैं ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। गोबर गैस बायोगैस गीले गोबर पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस प्रोड्यूसर गैस ये गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीय मान कैलोरीफिक वैल्यू 1100 से 1750 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस वाटर गैस इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीय मान 250 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है।
पृष्ठ 348। कोल गैस, ये कोयले के भंजक आसवन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ये रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीय मान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। 11. धातुएं, ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार अधातुवर्धीय तथा तरणीय होती है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक गुड कंडक्टर्स होती हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। चांदी स्मॉलर देन तांबा, स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, स्मॉलर देन टंगस्टन। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। अपवाद, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 की प्रकृति अम्लीय होती है। Ai, Zn एवं Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं। धातुएं प्राय तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित होती करती हैं। तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं की प्राप्ति, पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% एवं कैल्शियम 3% का क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान है। खनिज, मिनरल्स, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों का या यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, ओरिस, वो खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप में निष्कर्षित किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। यहाँ पर अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार है। अयस्क, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण 3 भागों में बांटा गया है। 1. उच्च अभिक्रियाशील वस्तुएं, इसके भी 2 भाग हैं, गलित धातु का विद्युत अपघटन तथा शुद्ध धातु। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं, कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन तथा सल्फाइड अयस्क से भर्जन, इन दोनों से 3 तरीके की धातु निकलती है, धातु का ऑक्साइड, धातु का अपघटन तथा धातु का शोधन। 3. भाग आता है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जिनसे सल्फाइड अयस्क, भर्जन, धातु और परिष्करण होता है। ये थे अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। पृष्ठ 349। धातुकर्म, मेटाल लर्गी, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रकर्मों को धातुकर्म कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, स्लैग, गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ धातुमल कहलाता है। निस्तापन, कैल्किनेशन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रवणांक Mp से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाएं। भर्जन, रोस्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिले अशुद्धि ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज हो जाएं। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रवणांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वो सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन कैल्किनेशन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को भर्जन रोस्टिंग द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइडों को कार्बन, एल्यूमिनियम अथवा विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित किया जाता है।
सोडियम पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित होती है। संक्षारण धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना एवं चांदी की वस्तुएं को काली हो जाना संक्षारण के उदाहरण है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेरिसोफेरिक ऑक्साइड Fe2O3XH2O होता है, यानी जल के अणुओं की संख्या X बदलती रहती है। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यश दलेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। नोट: यश दलेपन लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यश दलेपन कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। के पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Al, Zn जस्ता, ये सब सबसे अधिक अभिक्रियाशील करते हैं। लोहा सीसा, F लोहा Fe, सीसा Pb, हाइड्रोजन H, Cu तांबा, Hg पारा। घटती अभिक्रियाशीलता में चांदी Ag, Au सोना सबसे कम अभिक्रियाशील। धातु और निष्कर्षण की विधि के Na Ca Mg Al। निष्कर्षण की विधि विद्युत अपघटन Zn Fe Pb Cu। निष्कर्षण की विधि कार्बन के उपयोग से अपचयन Ag और Au। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित पृष्ठ 350। तांबा वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण ऐसा होता है। धातु प्रदूषक कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती हैं, जैसे कैडमियम सीडी, लेड पीबी तथा पारा एचजी। सीडी एवं एचजी गुर्दों को नष्ट कर देते हैं। पीबी गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देगाना खान से होता है। टंगस्टन धातु के अपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेजिलियाइट जिरकेनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एवं रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। स्टेनस सल्फाइड SnS2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु ओसीमियम OS है और प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मील के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग क्राइमोसोम्स रेड कलर्स स्ट्रॉन्शियम SR की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल अपचायक होता है। चांदी Ag, सोना Au, तांबा Cu, प्लेटिनम Pt तथा बिस्मत Bi अपने क्रम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघात वर्धीय सोना Au व चांदी Ag होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 ईस्वी में हुआ था। प्याज व लहसुन में गंध का कारण पोटेशियम की उपस्थिति है। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट होता है।
कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। मेटालाइट निकेल धातु का अयस्क है। सोडियम पर ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। पृष्ठ 351। ग्रीनोकाइट कैडेमियम का अयस्क है। कैडेमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइट्स रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधा स्टील व सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत टीएम होता है। रेडियम का निष्कर्षण पिंच ब्लेंड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में प्लेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइट्रोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु ट्रांसिशन एलिमेंट्स और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पल एश कहते हैं। नाइक्रोम निकल क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की ही बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी SB, तांबा व टिन SN की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक व 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टिन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। समूह एक के तत्व क्षार धातुएं अल्कैली मेटल्स कहलाते हैं और इसके ड्राई हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह द्वितीय के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं एल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु स्ट्रेटेजिक मेटल कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। ये इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कपड़ों को अदाह्य बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा रॉच आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25 रहती है, अतः ये अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। आयरन तृतीय ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमयता रोग उत्पन्न होता है। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता साइडरोसिस में रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन के कारण होता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। पृष्ठ 352। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से सफेद पेंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अवघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाती है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है। आयरन पाइराइट्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफों का सोना कहते हैं। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑरिस रासायनिक का प्रयोग विद्युत अपघट के रूप में होता है। आरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लैटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेवार से होता है। पारा को लोहो पात्र में रखा जाता है, क्योंकि ये लोहे के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी रहती है। सीसा सबसे अधिक स्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है।
लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। लेड ऑक्साइड का लिथार्ज कहा जाता है, जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबड़ उद्योग में, स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड कहा जाता है, इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्राइथल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु होता है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक 92U238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। ये एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। पृष्ठ 353। प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क। एक, धातुएं सोडियम Na। अयस्क चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक। सूत्र चिली साल्ट पीटर NaNO3, ट्रोना Na2CO3.2NaHCO3.3H2O। बोरेक्स का सूत्र Na2B4O7.10H2O। साधारण नमक NaCl। दो, धातुएं एल्यूमिनियम Al। अयस्क बॉक्साइट, सूत्र Al2O3.2H2O। कोरंडम Al2O3। फेल्सपार KaLSi3O3। क्रायोलाइट Na3AlF6। एल्यूनाइट K2SO4.Al2SO43.4AlOH3। काओलीन 3Al2O3.6SiO2.2H2O। तीन, धातुएं पोटेशियम K। अयस्क नाइटर, सूत्र KNO3। कार्नेलाइट, सूत्र KClMgCl2.6H2O। चार, धातुएं मैग्नीशियम Mg। अयस्क मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। इप्सम लवण, सूत्र MgSO4.77H2O। किसेराइट, सूत्र MgSO4.H2O। कार्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O। पांच, धातुएं कैल्शियम Ca। अयस्क डोलोमाइट, सूत्र CaCO3.MgCO3। कैल्साइट, सूत्र CaCO3। जिप्सम, सूत्र CaSO4.2H2O। फ्लोर स्पार, सूत्र CaF2। कैल्शियम मैग्नीशियम, सूत्र CaSiO3MgSiO2। सिलिकेट या एस्बेटस। छह, धातुएं स्टोंसियम SR। अयस्क स्ट्रोंसियनाइट, सूत्र SrCO3। सिलिस्टाइन, सूत्र SrSO4। सात, धातुएं तांबा Cu। अयस्क क्यूप्राइट, सूत्र CuTO। कॉपर ग्लांस, सूत्र Cu2S। कॉपर पाइराइट, सूत्र CuFeS2। आठ, धातुएं सिल्वर Ag। अयस्क रूबी सिल्वर, सूत्र 3Ag2SSb2S2। पायरा गायराइट, सूत्र Ag3SbS3। हॉर्न सिल्वर AgCl। नौ, सोना Au। अयस्क काल्वेराइट, सूत्र AuTe2।
सिल्वेनाइट सूत्र ब्रैकेट अंदर कोष्ठक एजी कॉमा एयू कोष्ठक समाप्त टीई ब्रैकेट क्लोज 10 बेरियम बी ए अयस्क बेराइट सूत्र बी ए एस ओ 4 11 धातुएं जिंक जेड एन अयस्क जिंक ब्लेंड सूत्र जेड एन एस कैलमाइन सूत्र जेड एन सीओ 3 जिंकाइट सूत्र जेड एन ओ पृष्ठ 354 पारा धातुएं पार एच जी अयस्क सिनेबार सूत्र एच जी एस 13 धातुएं टिन एस एन अयस्क कैसी टेराइट सूत्र एस एन ओ 2 14 धातुएं लेड पीबी अयस्क गैलेना सूत्र पीबीएस 15 एंटीमनी एसबी अयस्क स्टेबनाइट सूत्र एसबी 2 एस 3 16 धातुएं कैडमियम सीडी अयस्क ग्रीनोकाइट सूत्र सीडीएस 17 बिस्मिथ बीआई अयस्क बिस्मिथुइट सूत्र बीआई 2 एस 3 18 लोहा एफई अयस्क हेमाडाइट मैग्नेटाइट सूत्र एफईटी ओ 3 एफई 2 ओ 2 लिमोनाइट एफई 2 ओ 3 .3 एच 2 ओ सिडेराइट एफई सी ओ 3 आयरन पायराइट एफई एस 2 कैलकोपराइट सी यू एफई एस 2 19 कोबाल्ट सी ओ अयस्क मेल्टाइट सूत्र COSAS2 20 धातुए निकल NI अयस्क मिलेराइट सूत्र NIS 21 क्रोमियम CR अयस्क क्रोमाइट सूत्र FeOCr2O3 22 मैग्नीज MN अयस्क पायरोल्यूसाइट सूत्र MnO2 सिलोमाइलिन मैग्नाइट सूत्र Mn2O3.2H2O 23 धातुए यूरेनियम U अयस्क कार्नेटाइट पिच ब्लड सूत्र U3O8 ये थे प्रमुख धातुएं एवं उनके अयस्क धातुएं अधातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग 1 फेरस ऑक्साइड 1 हरा कांच बनाने में 2 फेरस लवणों के निर्माण में 2 फेरिक यौगिक Fe3O4 1 जेवरात पॉलिश करने में 2 फेरिक लवणों के निर्माण में 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 1 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में 2 दवा बनाने में 4 फेरस सल्फेट FeSO4.77H2O 1 रंग उद्योग में 2 मोहल लवण बनाने में 3 स्याही बनाने में 5 आयोडीन 8 कीटाणुनाशक के रूप में 2 औषधियों के उत्पादन में 3 टिंचर आयोडीन बनाने में 4 रंग उद्योग में 6 ब्रोमीन BR 1 रंग उद्योग 2 टिंचर गैस बनाने में 3 प्रतिकारक के रूप में 4 औषधि बनाने में 7 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 1 क्लोरीन बनाने में 2 अमलराज बनाने में 3 रंग बनाने में 4 क्लोराइड लवण के निर्माण में 8 क्लोरीन Cl 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में 2 मस्टर्ड गैस बनाने में 3 ब्लीचिंग पाउडर बनाने में 4 कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में 9 सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 1 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में 2 रंग उत्पादन में 3 पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में 4 स्टोरेज बैटरी में 10 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 1 अवकारक के रूप में 2 ऑक्सीकारक के रूप में 3 विरंजक के रूप में पृष्ठ 355 11 हाइड्रोजन सल्फाइड H2S 1 सल्फाइड के निर्माण में 2 लवणों के भास्मिक मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में 12 सल्फर S 1 कीटाणुनाशक के रूप में 2 रबड़ वल्केनाइज करने में 3 बारूद बनाने में 4 औषधि के रूप में 13 अमोनिया NH3 1 प्रतिकारक के रूप में 2 आइस फैक्ट्री में 3 रेयन बनाने में 14 नाइट्रस ऑक्साइड N2O 1 शल्य चिकित्सा में 15 फास्फोरस P 1 लाल फास्फोरस डीएसआरआई बनाने में 2 श्वेत फास्फोरस चूहे मारने में 3 श्वेत फास्फोरस दवा बनाने में 4 फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में 16 प्रोड्यूसर गैस CO+N2 1 भट्टी गर्म करने में 2 सस्ते ईंधन के रूप में 3 धातु निष्कर्षण में 17 वाटर गैस Ca+H2 1 ईंधन के रूप में 2 वेल्डिंग के कार्य में 18 कोल गैस
एक ईंधन के रूप में दो निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में, 19 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक सोडा वाटर बनाने में, 2 आग बुझाने में, 3 हार्ड स्टील के निर्माण में, 20 कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक COCl2 बनाने में, 21 ग्रेफाइट एक इलेक्ट्रोड बनाने में, 2 स्टोव की रंगाई में, 3 लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करने में, 22 हीरा डायमंड एक आभूषण निर्माण में, 2 कांच काटने में, 23 फिटकरी K2SO4 Al2 SO4 की पावर 3, 24 H2O एक जल को शुद्ध करने में, 2 चमड़े के उद्योग में, 3 कपड़ों की रंगाई में, 24 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3.18 H2O एक कागज उद्योग में, 2 कपड़ा की छपाई में, 3 आग बुझाने में, 25 अनादर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक पेट्रोलियम के भजन में, 26 मर्क्यूरिक क्लोराइड AHDCl2 एक कैलोमेल बनाने में, 2 कीटनाशक के रूप में, 27 मर्क्यूरिक ऑक्साइड HGO एक मलहम बनाने में, 2 जहर के रूप में, 28 मरकरी HG एक थर्मामीटर में, 2 सिंदूर बनाने में, 3 अमलगम बनाने में, 29 जिंक सल्फाइड ZNS एक श्वेत पिगमेंट के रूप में, 30 जिंक सल्फेट या उजला थोथा ZnSO4 0.7H2O एक लिथेपोन के निर्माण में, 2 आंखों के लोशन के बनाने में, 3 कैलिको छपाई में, 4 चर्म उद्योग में, 31 जिंक क्लोराइड ZnCl2 एक टेक्सटाइल उद्योग में, 2 कार्बनिक संश्लेषण में, 3 ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में, 32 जिंक ऑक्साइड ZnO एक मलहम बनाने में, 2 पोर सेलिन में चमक ग्लेज लाने में, 3 33 जिंक ZN एक बैटरी बनाने में, 2 हाइड्रोजन बनाने में, 34 कैल्शियम कार्बाइड CaC2 एक कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में, 35 ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक कीटाणुनाशक के रूप में, 2 कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, 3 रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, 4 क्लोरोफार्म के उत्पादन में, 36 प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 2H2O या CaSO4 0.1/2H2O एक मूर्ति बनाने में, 2 शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, 3 छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने हेतु, पृष्ठ 356 37 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक चूना बनाने में, 2 टूथपेस्ट दंतमंजन बनाने में, 3 सीमेंट उद्योग में, 38 कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4.H2H2O एक स्वाद के रूप में, 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, 3 अमोनियम सल्फेट बनाने में, 4 सीमेंट उद्योग में, 39 कैल्शियम CA एक अवकारक के रूप में, 2 पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, 40 मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 0.6H2O एक रूई की सजावट में, 2 सॉरल सीमेंट के रूप में व्यवहृत, 41 मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 एक दंतमंजन बनाने में, 2 दवा बनाने में, 3 जिप्सम लवण बनाने में, 42 मैग्नीशियम Mg एक धातु मिश्रण बनाने में, 2 फ्लैश बल्ब बनाने में, 3 थर्माइट वेल्डिंग बनाने में, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एक औषधि निर्माण में, 2 रबड़ पूरक रबड़ फाइलर के रूप में, 3 वायलरों के प्रयोग में, 44 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH3 एक चीनी उद्योग में मोलासेस में चीनी तैयार कराने में, 45 कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4.5H2O एक कीटाणुनाशक के रूप में, 2 विद्युत सेलों में, 3 कॉपर के शुद्धिकरण में, 4 रंग बनाने में, 46 क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2.2H2O एक ऑक्सीकरण के रूप में, 2 जल शुद्धिकरण में, 3 धागों की रंगाई में, 47 क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO एक ब्लू तथा ग्रीन ग्लास निर्माण में, 2 पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, 48 क्यूप्रस ऑक्साइड CU2O एक लाल ग्लास के निर्माण में, 2 पेस्टिसाइड के रूप में, 49 कॉपर CU
एक बिजली के तार बनाने में, दो बर्तन बनाने में, तीन ब्रास तथा ब्रॉन्ज बनाने में, 50 सोडियम नाइट्राइट NaNO3 एक N2 बनाने में दो प्रतिकारक के रूप में, 51 सोडियम नाइट्रेट NaNO2 एक खाद के रूप में, दो KNO3 HNO3 के निर्माण में, 52 सोडियम सल्फेट या ग्लाबर लवण Na2SO4.10H2O4 एक औषधि बनाने में, दो सस्ता कांच बनाने में, 53 सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा NaHCO3 एक अग्निशामक यंत्र, दो बेकरी उद्योग में, तीन प्रतिकारक के रूप में, 54 सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा Na2CO3 एक ग्लास निर्माण, दो कागज उद्योग, तीन जल की स्थायी कठोरता हटाने में, एक धुलाई के लिए घरों में धोवन सोडा के रूप में, 55 हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एक ऑक्सीकारक के रूप में, दो कीटाणु नाशक के रूप में, तीन रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में, चार लेड के रंगों में, 56 भारी जल D2O एक न्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में, दो ड्यूटरेटेड यौगिक के निर्माण में, 57 हाइड्रोजन H2 एक अमोनिया के उत्पादन में, दो कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, 58 द्रव हाइड्रोजन एक रॉकेट ईंधन के रूप में, 59 सोडियम Na एक सोडियम पेरोक्साइड बनाने में, 60 पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 इसे लाल दवा के नाम से जाना जाता है, ये जल को कीटाणु रहित करता है। पृष्ठ 357 मिश्र धातु एलॉयज़